नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी का स्टार फेस है और यही कारण है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां बीजेपी चुनावी दंगल में सीएम योगी आदित्यनाथ को उतारती है। इस वक्त यूपी में क्योंकि नगर निकाय चुनाव होने वाला है, लेकिन बावजूद क्योंकि कर्नाटक का जो चुनाव है वो सर पर है, इसी वजह से योगी आदित्यनाथ लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। वो कोप्पल पहुंचे, रायचूर पहुंचे, इसके अलावा कलबुर्गी में भी उनकी जनसभा प्रस्तावित थी। वो यहाँ पर बीदर में भी जब पहुंचे तो विपक्ष पर जमकर गरजे। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन सबसे अहम है कि जो हिंदुत्व चेहरा है उसको भुनाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। चुनावी सभाओं में इसकी झलक देखने को मिलती है। राम मंदिर का मुद्दा भी उठता है। योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन अपने चुनावी सभा में ये तक कह दिया कि जो कांग्रेस जो कि राम को मिथक बताती थी वही कांग्रेस आज एक खुद एक मिथक बन गई और कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो मिटता हुआ जा रहा है। हालांकि इन तमाम बयानों का कर्नाटक के चुनाव में कितना असर पड़ेगा और जो हिंदुत्व फैक्टर है वो क्या कर्नाटक के चुनाव में चलता है या फिर नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। आपको हम ये बताते चले कि 224 विधानसभा की सीटें हैं कर्नाटक में। 10 मई को वोटिंग होगी, 13 तारीख को नतीजे आएंगे। आपकी राय क्या है वीडियो पर कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। भारत एक्सप्रेस यूपी के इस पेज को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।